नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सिरसा के गांव गुड़ियाखेड़ा पहुंचे। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद प्रेस और मीडिया को भी संबोधित किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी से हटाने की बजाय उन्हें लगाने का काम करें। कई तरह की नौकरियां हैं जो उन्हें दी जा सकती है, बल्कि सरकार किसानों के साथ तजुर्बा करने में लगी है। किसानों को लॉकडाउन के दौरान बिजली माफ़ होनी चाहिए थी, इसके बाद में सरचार्ज भी माफ़ किया जाना चाहिए था, परंतु वो भी नहीं हुआ। वहीं उन्होंने आरोप लगाए कि शराब में भी कई प्रकार के घोटाले हुए हैं, जिसके बारे में सभी जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कई तरह के सवाल और भी उठाए। उन्होंने कहा कि गरीबों को राशन मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें भी कई प्रकार के घोटाले हुए हैं। सरसों की खरीद से लेकर के गेहूं की खरीद तक भी घोटाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि धान घोटाले में भी कई लोगों के नाम आए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पल पल सिरसा से दीपक कुमार के साथ निशा खन्ना की खास रिपोर्ट। माता जी का निधन हुआ था, उनके उसमें आया था और ये अब यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ। साथियों को डॉक्टर साहब देवी सिंह जी हैं, डॉक्टर इंदौरा जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, नवीन जी हैं और राम जी रहे, रामनिवास जी हैं, हाँ कौशा साहब बैठे हैं और सभी साथी हैं और आप भी पुराने मित्र मेरे हैं। आवाज़ हाँ पंखा बंद करते आवाज़ है। देखिए मैं अभी पढ़ रहा था कि 14 तारीख को बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है और 14 से 17 हरियाणा में 11 जिलों पे जो अम्बाला के मंत्री हैं हमारे कटारिया साहब, उनका बयान था कि 11 जिलों में 750-700 आदमियों की हम मीटिंग करेंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे हरियाणा सरकार की। भाई जब कोई आदमी गुजर जाता है एमएचए के डायरेक्शन है तो किसी का निधन होता है 20 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हो वहाँ 50 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते, ये 750-700 कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियों का भोपू लेके घूम रहे हैं, अगर अपनी उपलब्धियों की बजाय अपनी विफलताएँ गिरेंगे तो हम डरेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि भाई ये समय जो है, जो ये बीमारी है जो इंसान को बचाने की है, सबको इकट्ठा होकर लड़ना है और पूरा इनका सहयोग आज भी है मेरा इस लड़ाई के, कोरोना से लड़ाई में पूरा सहयोग है। ये अपना भोपू बजा रहे हैं, फिर हम विफलताएँ गिनाएंगे, वो मैं ही नहीं चाहता ऐसी बात है। तो इस बीजेपी से मेरा भाई ये कार्यक्रम आप करो, पहला प्राथमिकता जो इस बीमारी से लड़ाई करने की करो और लोगों को बचाने की बात करो। ये अब 300-400 केस रोज बढ़ रहे हैं हरियाणा में, अब जिस तरह बॉम्बे है, दिल्ली है, अब उससे हरियाणा में केस बढ़ रहे हैं। उनकी आप वो करें, प्रचार का भोपू ना बजाएं, उनकी सब लोगों की बचाव की बात करें। जो पैसा उसमें खर्च करोगे आप, वो लोगों के लिए आप करें। इसको पॉलिटिकल इवेंट बनाने की बजाय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उन पे खर्च करो, पॉलिटिकल इवेंट मत बनाओ इसको। ये पॉलिटिकल इवेंट पे खर्चा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर वन पर हो गया, टॉप वन ऑफ द टॉप वो है। और इनके जो 5-5 साल से सिलेक्शन हुए हैं, बच्चे सिलेक्ट हो चुके, ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। अरे ये समय है नौकरियां देने का, रोजगार देने का, छीनने का नहीं है। आज मैं पढ़ा था अखबार में 11,000 स्वास्थ्य जो कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको हटाएंगे और 17,000 जो ये लगाएंगे किसान मित्र लगाएंगे। कौन क्या, पहले प्रशासन सहयोगी लगाए, अब किसान मित्र लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या इनका है? जो बच्चे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर पास करे हुए हैं, बीएससी हैं, उनको लगाओ, एडीए लगे हुए हैं और लगाओ, उनको लगाओ, वो जानकारी देंगे किसान को। 17,000 वो जितने वो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखों को लगाओ। जब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली है उसमें लगाओ,
इसी प्रकार से बिल पावर, मैंने कहा था शुरू में भाई, गरीब आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, जो गरीब आदमी है उसके कम से कम 3-3 महीने के बिजली के बिल माफ़ करो, ये तो कम से कम करो। तो अब तो इन्होंने जो अप्रैल के मई के आखिर में जो बिल आएंगे उनका सरचार्ज भी माफ़ करना बंद कर दिया इन्होंने। तो इनका ये आपके सामने है, और MSME को एक राशन कार्ड होल्डर जो है, खाकी कार्ड बने थे 2013 में, जिनको खाकी कार्ड कहते थे, उसके बाद अब तक सर्वे ही नहीं करवाया इन्होंने, कोई इनका खाकी कार्ड होगा सर्वे नहीं हुआ, बल्कि ग्रीन कार्ड को राशन देने की बात थी। खाकी कार्ड वालों को अब तक ना तो सरसों का तेल मिला, ना चीनी मिली, और जो कार्ड होल्डर हैं वो कह रहे हैं हमारा कमीशन नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, इनने कहा भी हम राशन मुफ्त देंगे, उनके कमीशन क्या होगा, कोई सरकार की नीति उसने दरखास्त की है। और यहाँ पर खास तौर पे जो एक नई वो लाए, नए नए तजर्बे किसान के साथ कर रहे हैं, पहले तो गेहूँ की खरीद में आज तक गेहूँ की पेमेंट बकाया है 2000 करोड़ किसान की, एक एक महीने के बाद पेमेंट मिली है कई जगह, जो एक महीने तक उस आरती का तो ब्याज लग गया किसान पे, उसका ब्याज कौन देगा, जबकि इनका वो था 72 घंटे हम देंगे। इसी प्रकार सरसों की कोई 28,000 मीट्रिक टन की अब तक पेमेंट बाकी है, और कह दिया हमने खरीद बंद कर दी, जबकि ये था भी 30 जून तक हम खरीद करेंगे, उनको खरीद चालू करनी चाहिए इनकी। और अब एक और तजर्बा कर रहे हैं, पहले तजर्बा का क्या, अगर धान मत वो इसमें मतलब, और फिर अब पंचायत पे लागू कर दिया, पंचायत एजिटेट कर रही है, वहाँ बड़ा भारी नुकसान है, उनको भी इनको वो वापस लेनी चाहिए पूरी। और जो ये बरसाती मोगा जिसको राइस सूट कहते हैं, उसमें एक और नया तजर्बा करने जा रहे हैं, इतने परसेंट हम देंगे, 500 थे उसके आधे होंगे, लॉटरी से निकालेंगे, मतलब किसान के साथ तजर्बे करने पे लगे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था भाई, पहले खरीद का जो पुराना भी सिस्टम चला दो, कोई बात हो गई ठीक हो जाए, बीमारी से लड़ाई लड़ लेंगे जब ठीक करेंगे। इसमें भी यही कहना है कि बरसाती मोगे की जो पुरानी नीति लागू करो यहाँ पे, अभी किसान के साथ कोई तजर्बे की बात मत करो, और जो बल्कि लागत बढ़ा दी। अब इन्होंने कहा कि हमने धान की कीमत बढ़ा दी, जब धान की इन्होंने को की है, कितनी बढ़ाई है, 53 पैसे प्रति किलो, और लागत कितनी बढ़ा दी, डीजल पे चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, हरियाणा सरकार ने जो 9.24 हमारा वैट था, ये डीजल पे 17% से ज़्यादा कर दिया, और पेट्रोल पे 27% से ज़्यादा कर दिया, और अब फिर बढ़ा दिया, उसके तो हर चीज़ बढ़ रही है। अरे सबको क्या, किसान की मदद करो, खाद दो, डीजल सस्ता करो, उसके लिए कोई करो, वो इनकी कोई सोच नहीं है। हाँ, बल्कि सब्जी मंडी में सब्जी जो पैदा करते हैं उनके लिए सब्जी मंडी में वो टैक्स लगा दिया, पहले मंडी टैक्स हमने छोड़ रखा था, वो लगा दिया आज वो उनकी बर्गर। टमाटर जो है 1 रुपया किलो बिके, आप सबको मालूम है क्या होगा इसका किसान का, इनको कोई वो खबर नहीं है। हाँ, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, जैसे टमाटर पे लगा दिया, फिर रोडवेज का मतलब गरीब आदमी पर मार पड़ रहे हैं, रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में टैक्स लगा दिया, और घोटाला पे घोटाला ढकने की कोशिश कर रहे हैं। धान का घोटाला मैंने कहा था 600 करोड़ का घोटाला है, अब जब तो ये कहा मुख्यमंत्री ने कि भाई कोई घोटाला नहीं, हमने सब जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली, अब आज ही FIR दर्ज हुई है, एक राइस मिल में 6 करोड़ का घोटाला हुआ है, इतनी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करा दी, आज FIR दर्ज हुई है क्या, कि भी वैसे नकली फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, इतना घोटाला, ना धान आया ना गया और पेमेंट हो गई, तो बड़ा भारी घोटाला उसको इसको कर दिया। शराब का घोटाला आपने देखा खुद, कौन कौन उसमें गए, कौन कौन गए, अब वो घोटाला हुआ, अब नया शराब का घोटाला हो रहा है। हमने कहा था भाई शराब की जो 200 रुपये की बोतल है वो तो 400 बिक रही है, प्राइस लिस्ट किसी पर भी ठेके पर नहीं है, ये कीमत होती है तय होती है, तो कोरोना टैक्स लगाया है, एक बोतल पर इतने बढ़ाए हैं, तो प्राइस लिस्ट लगाओ ताकि कीमत पता लगे, लेकिन उसमें और घोटाला कर रहे हैं। इस तरह जैसे मीटर का घोटाला हुआ,
घोटाला पे घोटाला कर रहे उसकी तो जांच कर नहीं रहे, और ये नए नए तजुर्बे किसान से कर रहे हैं, तो ये इनकी उपलब्धि की भोपू लगाने की जरूरत नहीं है। विफलता का समय, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनको भाई, ये रैली वैली करेंगे तो ये ऐसी रैलियाँ तो हमने बहुत की हैं, जब हम रैली करेंगे तो लाखों की तादाद होगी, क्योंकि ये तो विफल सरकार है। लेकिन ये अब ऐसी टकराव की समय नहीं है, अब एक होकर इस बीमारी से लड़ने का समय है, लोगों को बचाने की समय है, अपनी खुद की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता है कि विफल सरकार है, लेकिन मैंने कहा था कि सारी बात देखते हुए अब मुख्यमंत्री का बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि भाई मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा तो पहले ले चुके, हर महीने कर्जा ले रहे, 60,000 कर्जा था जब अपनी सरकार छोड़ी, आज 2,00,000 से ऊपर कर्जा हो गया, कोरोना तो अब आया, दो महीने में कर्जा ले लिया। लेकिन मैंने कहा था भाई कर्जा लेने की जरूरत पड़े, इस बीमारी के लिए लड़ाई लड़नी है तो कर्जा लेने के मेरे कोई नहीं है। मैं वो कहेंगे भाई आप इतराज करो, मैं कोई इतराज नहीं करूँगा, अगर कर्जा लेके गरीब आदमी की मदद करोगे, किसान की मदद करोगे, आज उसको जरूरत है, आप है मीडिया वाले, आप भी अपने जान जोखिम में डाल के घूम रहे, इनकी मदद करोगे तो कर्जा लेने में मेरे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन वो तो कोई मदद हो नहीं रही, ना गरीब आदमी की हो रही, ना किसी किस्म से हो रही, तो ये आपके सामने है, आप कर्जे पे कर्जा डूबे जा रहे हैं। तो इस किस्म से जो है हर कोई इंसिडेंट होता है उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, हर घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखा, मैंने बयान दिया पहले दिन, ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक कर्मचारी की पिटाई हुई, मैंने कहा था भी जो मैंने देखा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए, अब तक पता ही नहीं क्या है उसका। तभी कहते हैं, और कोई कहता है उनका बीजेपी का नेता, ऑडियो आई तो पब्लिक करो, उसको पब्लिक में आने दो, जो कसूरवार उसको सजा दो। ये समझ में नहीं आया, कानून हाथ में लेने किसकी इजाज़त दे रही, किसी को इजाज़त, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये इनकी वो है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ, जो भी हो जांच प्रॉपर होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, जो कसूरवार को पूरी सजा देनी चाहिए, कानून में हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो यही बातें हैं आजकल तो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, मेरा पानी मेरा विरासत का। देखिए, मेरा पानी मेरा विरासत किस चीज की बात है भाई, ये कह रहे हैं वाटर टेबल बढ़ा रहे हैं, वाटर टेबल बढ़ाने के लिए ही अपने दादूपुर नल की नहर बनाई थी, उसको क्यों कर दिया, ये ओटू झील खोद दी थी हमने गग्गर पे कितना हो गया था, क्यों नहीं उसकी दोबारा खुदाई करते भाई, वो फिर डिसिल्टिंग हो गई है, क्यों नहीं मतलब जितनी ड्रेन है उसमें पानी भरते, क्यों नहीं जोड़ भरवाते, क्यों नहीं ये करते, तो उसको वो उधर करो ना, खाली किसान के ऊपर थोपा क्यों जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसानों ने एजिटेट किया भाई, और किसानों की वजह से उनके जो विरोध हुआ है, जब उन्होंने पॉलिसी वापस ली है, हम लोग पहले दिन कहा था नहीं ली, लेकिन किसान विरोध में खड़े हैं। अब इस पॉलिसी में भी 25% जो है, राइस सूट पॉलिसी में 25% जो कटौती कर रहे हैं कि किसानों को तभी मोगियां मिलेंगी तब 25% जो जमीन है उस पे धान ना लगाएं। ये नहीं, वो कह रहे हैं 20 एकड़ पे हम देंगे जी, वो में एक बरसाती मोगा, लेकिन उसमें 75% से ज्यादा धान नहीं होना चाहिए। तो ये तो वही मैं कह रहा हूँ, तजर्बे कर रहे हैं, तजर्बे नहीं करने का समय है, किसान के साथ तजर्बे करने का समय नहीं, वो वापस लेके पुरानी नीति लागू करो, और जिसको पुराने भी दो कोई नया उसको भी दो। बरसाती पानी की बात है आपकी, बरसाती पानी के लिए भाई आप गग्गर को ओटू को खोदो, गग्गर को खोदो, डिसिल्टिंग करो इस इलाके में। इसका मतलब तो ये है कि जो जल स्तर बढ़ाने की बात है उसको घटाने की बात करें आप। आदमी ट्यूबवेल ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, सरफेस इरीगेशन नहीं करेगा, ना वो करेगा, तो ये मतलब किसान के साथ दुर्व्यवहार है। एससीटी बिठा रखी क्या समय, तो इससे जांच हो पाएगी? शराब घोटाले जांच के, शराब घोटाले के लिए एससीटी इन्होंने गठन किया हुआ है, एसआईटी की बजाय एससीटी, हाँ इससे क्या जांच हो पाएगी? देखिए, मैं पहले कह चुका, पहले मैंने कहा था कि पहले दिन गृह मंत्री का बयान आया, हमारे मित्र हैं नीलवीर जी, उनका बयान आया एसआईटी बना दी गई है, फिर आया एसआईटी नहीं एसीटी बनाई है,
अब तक यही फैसला नहीं इनका। एसआईटी है, एसीटी का तो कोई बात ही नहीं है। एसीटी तो एक इंस्पेक्टर भी स्टॉक चेंज कर सकता है, एसीटी क्या क्या वैल्यू उसकी, कोई वो तो नहीं है नहीं उनके पास, कोई ताकत तो है नहीं इसी। एसआईटी और इसी वास्ते में रखा था भाई, ऐसी एजेंसी की द्वारा जाँच कराई जाए, निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा, केंद्रीय एजेंसी हो जाए जो भी सच है, तो कोई या किसी जज के से कराई जाए ताकि सही जांच पहुंचे, सही आदमी तक आँच पहुंचे। तो लेकिन ये इसको अब तक कोई मतलब आगे कदम नहीं बढ़ा है। वही मैं कहता हूँ, इनको पता ही नहीं, कन्फ्यूज गवर्नमेंट है ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। जहाँ भी कहीं फैसला लेने की बात होती है, फैसला नहीं ले सकते, ये फैसला यू टर्न गवर्नमेंट है। आज लागू करेंगे, कल करेंगे। इसी तरह एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने किया, एक दिन में दो दो बार बनाई, तीसरी बार वो कैंसिल कर दिया, तीसरे दिन तीन ऑर्डर करते हैं। इनको पता नहीं है, ये ना तजुर्बेकारी, तो मैं क्या कहूँ, छः साल हो गए, लेकिन ये मतलब सरकार में आपस में अंदरूनी वो नहीं है, कॉरपोरेशन नहीं है, इनका कॉरपोरेशन नहीं है। साहब सरसों घोटाला हुआ है नारनौल कनीना में, चार सेक्रेटरी सस्पेंड किए हैं, 16 आरती पे एफआईआर की है। सरसों घोटाला हुआ है हरियाणा में, चार आप कौन सा घोटाला नहीं हुआ ये बताओ ना। हर घोटाले की जब वो कर जा रहे हैं भाई, मीटर खरीद से लेकर मर्सिडीज खरीद, सरसों घोटाला, मैं तो अब धान का घोटाला, घोटाले पे घोटाला हो रहा है, घोटाले पे घोटाला हो रहा है। कौन सा घोटाला, इसमें गेहूँ की खरीद में क्या कम घोटाला हुआ है, लेकिन सरसों की खरीद में घोटाला हुआ। अभी तो उजागर हो रहे हैं, जैसे धान की मैंने बताया 6 करोड़ की, तो आज एफआईआर दर्ज हुई है एक उससे मिल से, एक मिल से, तो एक मिल से उतनी है, तो कितने मिल हैं, कितने सैकड़ों का घोटाला निकलेगा है। लेकिन ये उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन दो दो बार हो लिया, फिर उनका ठीक निकल गया। किस किस्म की सरकार है भाई? देखो नियत हो घोटाले की तय तक जाने की तो पहुंचा जा सकता है। जब मैं कह रहा हूँ घोटाला ढकने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें क्या कोई करेगा। कोरोना की बात करी आपने, अभी कोरोना फैल रहा है, और एक तरफ भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है, बिहार इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तो इसमें क्या आप मानते हो कि इसका डट के मुकाबला कर पाएगी सरकार? मैं कह चुका हूँ, ये समय जो है अपनी पीठ थपथपाने का नहीं है, अपना भोपू लगाने का नहीं है, ये सबको मिलकर, मैंने पहले दिन भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, चाहे आम आदमी है चाहे आप हैं, सबको मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे कोरोना से, तो जीत हो जाएगी, कोरोना हार जाएगा, नहीं तो हाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी वर्चुअल रैली का करने का टाइम नहीं है, कोरोना से लड़ने का टाइम है। कोई भी रैलियां करने का टाइम नहीं है, कोरोना से लड़ो, रैली कर लेंगे, समय है। मैंने कहा था वो कल, अब मान लो इसकी विफलताएं की रैली है, करेंगे जब दिखाएंगे, लेकिन अभी तो इस कोरोना से लड़ाई लड़ने का समय है। मैं इनको भी यही सुझाता हूँ कि भाई अभी कोरोना से लड़ाई लड़ लो, ये रैलियां कर लेंगे, तो दलगत राजनीति से ऊपर होकर करो, लेकिन अब सब अभी कोई मतलब किसी तरह का कांग्रेस को प्रोटेस्ट या इस तरह की अभी कोई मूवमेंट नहीं करेगी? इतने घोटाले आपने कहा कि घोटाले हो रहे हैं, हम तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन जो मास मूवमेंट होती है उसका मैंने कहा पहले लोगों की जान बचाने की सवाल है भाई मेरे सामने, लोगों लड़ाई लड़ने का सवाल है। बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है जी, किस तरह से कांग्रेस तैयार हो रही है? तैयार है कांग्रेस, कल दुष्यंत कह रहे थे कि कांग्रेस को तीसरे नंबर भेज देंगे, चलो समय बता देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस के पूर्व विधायक भी शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे, थोड़े दिन बाद आप लोग भी कहेंगे कि विपक्ष का काम INND ही कर रहे हैं। कौन? अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, और उन्होंने कहा कि जिनको विपक्ष का काम करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे, और अभय चौटाला ही विपक्ष का काम कर रहे। तो अभय चौटाला किस चीज में है, विपक्ष में होगा ना? वो लोग ये कह रहे हैं वो अपना काम करें, अच्छी बात है, अकेले हैं, लेकिन उनके मैं विधानसभा में अकेले खड़े होता हूँ, साथ भी देते हैं उनका, बोले तो कुछ।
महेंद्रगढ़ जिले का दर्जा छीनने की बात चल रही है, महेंद्रगढ़ जिले का दर्जा छीनने की बात चल रही है, नारनौल को जिला बनाया जा सकता है, एक कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पे? देखो, इनका मैंने कहा शुरू से कह रहे हैं, इनका ये सोचते हैं नाम बदलने